हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो गाइस, जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले फिर से पोल डाला था एक कि आपको नेक्स्ट लिपस्टिक्स वॉच लिपस्टिक के देखने हैं फ्रॉम माय ग्लैम, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो वोट दिए थे वो दिए थे माय ग्लैम के लिट मॉइस्चराइजिंग मैट लिप क्रेयॉन्स। वेट, ऐसे ही कुछ नाम है इसका, माई ग्लैम परफेक्ट कर्व्स मॉइस्चराइजिंग मैट लिप क्रेयॉन। ओके, इसके आपको स्वचेस देखने। सो यू गाइज ऑलरेडी नो कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। एंड बाय द वे गाइज, आपको मेरा ये क्रिसमस ट्री कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैंने इसे डेकोरेट करा है एंड आई एम रियली लविंग इट। और आज मैं एकदम क्रिसमस वाइब्स में बैठ गई हूँ और यही बैकग्राउंड रहने वाला है अभी कुछ टाइम तक, जब तक क्रिसमस नहीं आ जाता। और गाइज, आज का वीडियो होने वाला है लिपस्टिक स्वॉच एंड रिव्यू वीडियो। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। सो जो आउटर पैकेजिंग है ना, वो कुछ इस तरीके से आती है, स्टैंडर्ड माय ग्लैम की गोल्डन पैकेजिंग, जो कि मुझे अच्छी लगती है, लाइक इट्स गुड। सो ये कुछ इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्स में आती है एंड इस पर सब कुछ मेंशनड है, लाइक इंग्रेडिएंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शेड नेम वगैरह भी मेंशनड है, कस्टमर केयर वगैरह मेंशन है। एंड नेट क्वांटिटी बाय द वे इन लिप क्रेयॉन्स की है 3.7 ग्राम्स और जो प्राइस है दैट इज़ 695 रुपीज़। एंड जो शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है वो किसी किसी में 3 ईयर्स है, किसी किसी में 4 ईयर्स है, तो आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने सब कुछ कुछ अलग अलग लिए थे अलग अलग टाइम पे, तो किसी में 3 है किसी में 4 है, सो आई रियली डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। बट हाँ, कहीं आपको 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ मिलेगी, कहीं 4 ईयर्स की मिलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द आउटर पैकेजिंग एंड इट्स नाइस। और बाय द वे हाँ, मतलब मुझे कुछ लिप क्रेयॉन्स की आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से रिसीव हुई है और कुछ की इस तरह से हुई है, तो आप देख सकते हो डिफरेंस। सो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, या इट इज़ वॉट इट इज़, ठीक है। और बाय द वे गाइज, इसमें टोटल आपको 11 शेड्स मिल जाते हैं और सारे 11 शेड्स मेरे पास हैं, तो सारे शेड्स आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं स्वॉचेस में। तो अगर हम इनर पैकेजिंग की बात करें, सो इनर पैकेजिंग इज लाइक दिस, इट्स अ चब्बी क्रेयॉन काइंड ऑफ थिंग, चब्बी स्टिक है ये, एंड अगेन वाइट एंड गोल्डन है, जो स्टैंडर्ड माय ग्लैम की पैकेजिंग होती है वैसी है। और इस पे आपको शेड नेम मिल जाता है नीचे मेंशन, एक्सपायरी मेंशन मिल जाती है, क्वांटिटी मेंशन है लाइक 3.7 ग्राम्स। तो अगर आप इसको खो देते हो जस्ट इन केस यू गेट रेट ऑफ द आउटर पैकेजिंग, सो इस पे एक्सपायरी डेट मेंशन है, सो दैट्स अ ग्रेट 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 थिंग। सो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है एंड हेयर यू गेट द प्रोडक्ट। तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ कि कितना आपको प्रोडक्ट मिल जाता है इसमें। सो आपको इतना प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। एंड या इट कम्स इन अ रिट्रैक्टेबल फॉर्म, सो बहुत से लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है बिकॉज येस वी डोंट लाइक टू वेस्ट आर प्रोडक्ट। तो अगर शार्पनेबल फॉर्म में आते हैं तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है, बट दिस कम्स इन अ रिट्रैक्टेबल पैकेजिंग, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। ऐसे आपको देखने में पता नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, बट क्वान्टिटी इज टू मच। और जो आप देख रहे हो चबी स्टिक है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी इसकी जो क्वांटिटी है वो अच्छी है। हम बात करें इसकी टिप की, सो इसकी टिप कुछ इस तरीके से है, ओके। सो जैसे कि मैंने कहा इट्स अ चबी स्टिक, तो ये जिनके थिन लिप्स हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। मुझे इसकी टिप वगैरह भी अच्छी लगी, बट मेक श्योर कि जब आप इसे यूज़ करते जाओ तो आप एक टिप इसकी मेंटेन करके रखो, अदरवाइज लाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। दैट्स इट अबाउट द इनर पैकेजिंग एंड ऑल। या देयर इज़ वन मोर थिंग कि जब आप इसे यूज़ करते रहते हो ना, तो आपका ये जो प्रोडक्ट है इधर इधर से थोड़ा सा मेसअप होने लगता है, सो बिकॉज दिस इज़ वाइट, तो या उस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिगमेंटेशन। सो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा इसका पिगमेंटेशन है। येस आई मस्ट से पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, इवन इफ यू हैव पिगमेंटेड लिप्स ना, तो आपका 2 कोट्स में ईजिली काम हो जाने वाला है। अब अगर हम बात करें इसके टेक्सचर की, ओके, जैसे कि इसका नाम है मॉइस्चराइजिंग मैट लिप क्रेयॉन्स, सो जैसे कि आप इसको अपने लिप्स पे लगा लेते हो ना, सो इट डेफिनेटली लुक्स वेरी मैट ऑन योर लिप्स। लाइक अभी भी मैंने इसमें से ही शेड वेयर करा हुआ है, दिस इज द शेड टेरा, और आप देख सकते हो मेरे लिप्स पे कोई भी शीन या कोई भी ग्लॉस नहीं आ रही है। सो दैट्स अ ग्रेट 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 थिंग कि रिट्रैक्टेबल होके भी मैट होने का क्लेम कर रहा है, बट एट द सेम टाइम दिस डज नॉट हैव एनी शीन और एनी ग्लॉसीनेस वेन यू अप्लाई इट ऑन योर लिप्स। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज मोस्टली क्या होता है ना कि ऐसे मैट मैट बोल के काफ़ी क्रीमी एंड ग्लॉसी शाइन आ जाता है, बट ये एक आपको प्रॉपर मैट लुक देता है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ, अगर हम बात करें कि क्या ये बटर की तरह ग्लाइड होता है हमारे लिप्स पे, सो नो नॉट एट ऑल। थोड़ा सा आपको टग एंड पुल करना पड़ेगा, स्पेशली इफ़ यू हैव वेरी 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 ड्राई लिप्स, तो फिर तो आपको काफ़ी ज़्यादा टग एंड पुल करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ नॉट दैट मक्खन वाला बटरी सॉफ्ट स्मूथ फॉर्मूला नहीं है इसका। मे बी दैट्स वाई ही इसमें कोई ग्लॉस और कोई शाइन नहीं है, बिकॉज अगर आपने देखा होगा कि मोस्टली जैसे बटरी सॉफ्ट एंड बटरी स्मूथ बुलेट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसीनेस एंड शाइनीनेस रहती है, बट इसमें वैसा नहीं है, सो दैट्स ग्रेट। सो या थोड़ा सा आपको टग एंड पुल करना पड़ेगा, एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आपके एक्सट्रीम 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 ड्राई एंड चार्ड लिप्स हैं, सो मेक श्योर यू एक्सफोलिएट योर लिप्स वेल और लिप बाम लगा के रखो थोड़ी देर, लिप बाम को हटाओ और फिर उसके बाद इसे लगाओ, तभी एक प्रॉपर लुक आएगा आपके लिप्स पे।
एंड या अगर आप काफ़ी टाइम लंबे टाइम तक इसको वेयर करके रखते हो तो ये काइंड ऑफ आपके जो लिप्स पे लाइंस रहती है उसको एग्जैजरेट कर देता है. सो दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट टू बी नोटेड. एंड अब हम बात कर लेते हैं वेदर इट्स स्मच प्रूफ और नॉट एंड ट्रांसफर प्रूफ और नॉट, राइट. सो अभी मैंने ये शेड लगाया हुआ है टेरा और लगा के भी मुझे अप्रॉक्स 10 मिनट हो गए होंगे. सो सी इट डज ट्रांसफर बट इट ट्रांसफर्स वेरी लिटिल. आप देख सकते हो अभी लिप्स पे जो पिगमेंटेशन है वो इंटैक्ट है. ऑल तो थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाती है. येस थोड़ी बहुत डेफिनेटली फेड आउट हुआ है बट आई थिंक दिस मच इज फाइन. ट्रांसफर प्रूफ नहीं है तो स्मच प्रूफ भी नहीं है, स्मच भी इजिली हो जाएगा. एंड यार दिस डज नॉट सर्वाइव एनी मील्स. अगर आप ऑयली ग्रीसी फूड खाओगे तो डेफिनेटली उतर जाने वाला है. ऑल्दो जब ये उतरता है तो थोड़ी थोड़ी टेंट रह जाता है लिप्स में विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी. मुझे तो अच्छी लगती है वो चीज़. बहुत से लोगों को मे बी वो चीज़ इरिटेटिंग लगती हो. एंड क्या ये कंफर्टेबल है लिप्स पे या नहीं है. सो आई विल से दैट दिस इज वेरी 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 कंफर्टेबल ऑन द लिप्स. मुझे पर्सनली ये लिप क्रियॉन्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. मुझे इनका पिगमेंटेशन फॉर्मुलेशन सब कुछ बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये एक तो मैट है. ठीक है चलो ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, ठीक है वो चीज़ हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज वी कैन ऑलवेज री अप्लाई आर लिपस्टिक. बट मुझे इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसमें वो ग्लॉसीनेस और शाइनीनेस नहीं है. तो उससे क्या होता है ना, डेफिनेटली वो अच्छा लगता है बट उससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी लिपस्टिक गायब हो जाती है. बट दैट्स नॉट द केस विद दिस वन. दिस वन डज स्टे फॉर 5 to 6 hours अगर आप कुछ ऑयली ग्रीसी नहीं खाते हो. अब हम देख लेते हैं कि इसके क्लेम्स क्या क्या है. दिस सेज दैट फॉर पाउट्स दैट स्पेल परफेक्शन दिस लॉन्ग वेयर लिप क्रियॉन डिलीवर्स रिच वेलवेटी बिल्डेबल कलर. येस इट्स वेरी ट्रू. इन अ प्योर मैट फिनिश द फिनिश इज क्वाइट मैट विद अ बूस्ट ऑफ आर्गन ऑयल टू कीप देम हाइड्रेटेड ऑल डे. येस इसको लगाने के बाद इतना ड्राइंग वगैरह नहीं लगता है इफ यू डोंट हैव एक्सट्रीमली ड्राई लिप्स. सो ओवरऑल मुझे इसका पिगमेंटेशन फॉर्मुलेशन एंड टेक्स्चर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. स्पेशली विंटर्स के लिए ये मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगा ये लिप शेड. एज अ सेड इसमें आपको 11 डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं जिसमें कि मोस्टली न्यूड शेड्स हैं. तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी. सो मेरे लिए तो ये मस्ट हैव होने वाले हैं फॉर दिस विंटर्स. ऑल्दो ये लिपस्टिक्स मेरे पास काफ़ी टाइम से है, लाइक अप्रॉक्स 1 year हो चुका है, 1 year से ऊपर हो चुका है कि ये लिपस्टिक्स है मेरे पास. सो आई रियली एन्जॉय देम वेन एवर आई वेयर देम. तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है इनका फॉर सब कुछ पिगमेंटेशन एंड ऑल. एंड आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द स्वॉचेस.
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मैं और ऐसी वीडियोस लेके आती रहूं. दैट्स इट गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू.